तो इस वक्त मैं दिल्ली के संसद मार्ग पे हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती सेलिब्रेशन में मुझे अजय सिंह रावत मिले हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने ही आए हैं। और अजय फिलहाल JNU के स्टूडेंट हैं और जर्मनी में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं आगे की पढ़ाई के लिए, और इन्हें कुछ ज़रूरत है बहुजन समाज के सहयोग से की, क्योंकि ये खुद बहुजन समाज से आते हैं और बहुजन समाज के लोगों को अच्छे मुकाम पर पहुँचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो अजय से बात करेंगे। अजय, ये बताइए, आप अभी कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और क्या आगे पढ़ाई करने वाले हैं? सर, मैंने अभी लास्ट नवंबर में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन लिंग्विस्टिक्स कंप्लीट किया है, और फिर मैंने उसी समय मास्टर्स कंप्लीट करने के साथ साथ जर्मन यूनिवर्सिटी में अपने सेकेंड मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था, जो कि मेरा 3 जगह एडमिशन हो चुका है। उसमें से एक यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंजन है, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंजन है और यूनिवर्सिटी ऑफ कौनसा है। इन तीनों में से मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंजन को चुना है और समर सेमेस्टर के लिए मेरा एडमिशन हुआ है, जो कि 19 अप्रैल से चालू है। और क्योंकि मैं सेकंड मास्टर्स था, तो मुझे भारत सरकार की जो ओवरसीज स्कॉलरशिप वो नहीं मिल पाई है, उसे डिनाई कर दी गई है। इसीलिए मैं अपने समाज के लोगों से, मैंने उनसे क्राउड फंडिंग की अपील की कि मेरी हेल्प की जाए, मुझे जर्मनी में पढ़ने के लिए एक मौका मिले, समाज से मुझे आर्थिक मदद चाहिए, इसीलिए मैं क्राउड फंडिंग कर रहा हूँ। क्राउड फंडिंग पे अभी आपका कितना टारगेट अमाउंट है जो आपको देना है और कितनी मदद मिल चुकी है आपको? सर, मेरा टारगेट अमाउंट 14 लाख का है, जिसमें से अभी तक मैंने 3.5 लाख रुपए जमा कर लिए हैं, और मेरा जो वीज़ा इंटरव्यू है दूसरा वाला वो अभी 25 अप्रैल को है। तो वीज़ा इंटरव्यू के पहले मुझे 19 अप्रैल तक का एक 10 लाख रुपये एक जर्मन बैंक अकाउंट में जमा करने हैं, जो कि वीज़ा रिक्वायरमेंट है। 10 लाख रुपए आपको अभी इस महीने में चाहिएंगे, जो आपको वीज़ा रिक्वायरमेंट के लिए देना होगा? जी सर, 19 अप्रैल से पहले मुझे 10 लाख रुपए जर्मन बैंक में जमा करने हैं, जो कि जर्मन सरकार की वीज़ा रिक्वायरमेंट है ब्लॉक अकाउंट की। और वो नहीं दे पाएंगे तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? जी सर। देखिए, ये हमें अजय सिंह रावत की मदद करनी चाहिए, क्योंकि 19 तारीख तक इनको पैसे चाहिए, इनको जमा करने हैं वहाँ पर, क्योंकि इनकी पढ़ाई होनी है। तो आपसे मेरी अपील है, जो भी हमारे दर्शक हैं द न्यूज़ वीक के, द शूद्रा के, कि अजय सिंह रावत को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे समाज का लड़का है, पढ़ने के लिए जर्मनी जा रहा है, और जर्मनी में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी पढ़ाई की थी, मालूम है आपको? जी, बाबा साहब वहाँ पे गए थे एक दो सेमेस्टर के लिए। तो जर्मनी में बाबा साहब का कनेक्शन है? जी सर, मैं वहाँ बहुत से अंबेडकर को जानता हूँ, मैं उनसे टच में हूँ, वो मेरी हेल्प भी कर रहे हैं, मुझे सारा गाइडेंस दे रहे हैं वहाँ पढ़ाई का, रहने का, तो बहुत हेल्प हो रही है। जो इनका पेमेंट लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और जो इनका अकाउंट है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी हम आपको दे देंगे जो इनसे बात करना चाहें। मेरी अपील है आप सब से कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की जयंती हम मनाते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, बहुत सारे आयोजनों में हम बहुत खर्च करते हैं, ज़रूरी है क्योंकि हमारे महानायक महानायिकाओं का जन्मदिन है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा अगर पैसा आप अजय जैसे लड़के को दे सकें जो जर्मनी जाके पढ़ने वाला है, और जर्मनी से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पढ़ के आए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े, कोलंबिया से पढ़े, तो उनकी भी किसी ने मदद की और फिर वो उस मुकाम पर पहुंचे, तो ज़रा सी मदद अजय को एक अच्छी पढ़ाई और एक अच्छा जीवन की ओर बढ़ा सकते। तो मेरी अपील है कि ज़रूर मदद करें, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, डिस्क्रिप्शन में हैं, और आपसे मेरी यही गुजारिश है कि मदद ज़रूर करें। तो मुझे उम्मीद है कि लोग आपकी मदद करेंगे, आप हौसला रखें, ज़रूर जर्मनी जाएंगे आप। जी सर, जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे।